सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि पोषण पखवाड़ा जो कार्यक्रम इस महीने आयोजित की जानी है, पोषण पखवाड़ा 2023 जो 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक जो कार्यक्रम किया जाना है, इसके संबंध में ICTS विभाग द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आपको बताने वाला हूँ कि इस पोषण पखवाड़ा में 3 थीम के ऊपर काम किया जाएगा। तीनों थीम क्या क्या है आपको लेटर में चल के दिखाऊंगा, और कैसे कौन कौन सी गतिविधियां करनी है इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं उस लेटर की ओर। उससे पहले आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, जिसमें कि श्री अन्न मिलेट्स का जो जिक्र किया गया था उसी के बारे में है, और इसके बारे में आप लोगों को आगे जागरूकता लानी है। श्री अन्न मिलेट्स क्या है, जैसे कि श्री अन्न मिलेट में जो मोटे अनाज होते हैं उसकी खेती करने के ऊपर जो जागरूकता है उसको आम जनों तक पहुँचाना है, और इसके बारे में जानकारी देनी है। जो मोटे अनाज होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, जो इस प्रकार की अन्न है उसको एक नाम दिया गया है श्री अन्न मिलेट्स। तो इसी के बारे में जो जागरूकता है वो लोगों तक पहुंचानी है, और साथ ही साथ जो थीम के ऊपर जो गतिविधियां हैं वो भी करनी है। तो चलिए चलते हैं उस लेटर की ओर और आपको बारी बारी से पूरी जानकारी समझाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे, पोषण पखवाड़ा 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2023 के बीच कराई जानी है। पोषण पखवाड़ा मार्च 2023 के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की विवरणी देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, लगातार 4 वर्षों से प्रत्येक वर्ष मार्च माह में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता रहा है। पोषण पखवाड़ा के दौरान समग्र रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके पोषण स्तर में अपेक्षित सुधार लाने हेतु जन भागीदारी से गतिविधियों का आयोजन कर जन आंदोलन का एक रूप दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि इस वर्ष पोषण पखवाड़ा का जो थीम है वो स्थानीय तौर पर उपजाए जाने वाले श्री अन्न मिलेट, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, चीना इत्यादि ये शामिल है, जिसमें कि स्वास्थ्य लाभों और कठोर जलवायु परिवर्तन में श्री अन्न मिलेट की खेती की उपयोगिता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD द्वारा श्री अन्न मिलेट को अपनाने एवं लोकप्रिय बनाने के थीम के साथ साथ 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि श्री अन्न मिलेट के उपभोग के प्रति समुदायों को जागरूक करने हेतु गतिविधियां आयोजित की जाएगी। पोषण पखवाड़ा के दौरान विशेषकर निम्न 3 थीम पर आधारित गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 3 ऐसे थीम है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो पहला थीम है वो पोषण न्यूट्रिशनल वेल बेइंग के श्री अन्न मिलेट का प्रचार प्रसार करना, और जो दूसरा थीम है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा आयोजन। जैसा कि हम सभी लोग पिछली बार भी स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम हम लोगों को करना था, लेकिन कुछ कारणवश उस स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो इस बार आप लोगों को स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें कि जो बच्चों का हाइट वेट वगैरह है उसको यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप पर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सक्षम आंगनवाड़ी का प्रचार प्रसार करना। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 थीम दिए गए हैं, इन थीम के अनुसार आप लोगों को अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे ये जो गतिविधियाँ हैं वो करानी है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, लिखा गया है पोषण पखवाड़ा के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र परियोजना जिला स्तर निम्नानुसार गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। इसमें जो है कि परियोजना स्तर से जिला स्तर से ये जो गतिविधियाँ हैं वो कराई जाएगी। आंगनवाड़ी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आप लोग यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कि आंगनवाड़ी केंद्र के स्तरीय गतिविधि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 मार्च 2023 को क्या होने वाला है, जो गतिविधि यहाँ पर लिखा गया है, पोषण रैली, प्रभात फेरी, साइकिल रैली, श्री अन्न आधारित भोजन, खाद्य विविधता, स्वास्थ्य, शरीर समृद्ध, दिमाग पर केंद्रित स्लोगन द्वारा प्रचार प्रसार का आयोजन किया जाएगा।
अनुप्राशन व स्कूल पूर्व शिक्षा उत्सव दिवस का आयोजन, पूर्व से निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार गतिविधियों का आयोजन, साथ ही इस दिन गर्भवती धात्री किशोरी बालिका एवं बच्चों के लिए श्री अन्न मिलेट के महत्व के बारे में चर्चा प्रसार की जाएगी। इस दिन उपस्थित लाभुक समूह के बीच गर्मी एवं लू से बचाव उपचार एवं जागरूकता के विषय पर भी चर्चा किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है गृह भ्रमण गर्भवती महिलाओं के खान पान में श्री अन्न मिलेट को शामिल करने एवं इसके महत्व पर परामर्श देना, हैंड वॉशिंग, वृद्धि निगरानी, आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से 6 साल के सभी बच्चों का वजन ऊंचाई लंबाई लिया जाना एवं स्वयं बच्चों की पहचान एवं उचित देखभाल संबंधी परामर्श देना। तो यहाँ पे ये ग्रोथ मॉनिटरिंग में की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 21 मार्च को क्या है देख सकते हैं, यहाँ पे माता समूह के साथ बैठक, पोषक क्षेत्र के सभी गर्भवती एवं धात्री एवं 0 से 6 वर्ष के बच्चों की माताओं के साथ बैठक आयोजित कर पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित जागरूकता, किचन गार्डन का महत्व, श्री अन्न मिलेट की उपयोगिता, ऊपरी आहार का महत्व इत्यादि विषयों पर चर्चा करना है। फिर उसके बाद इसमें भी है गृह भ्रमण में जो धात्री महिलाएं हैं उनके खान पान में श्री अन्न मिलेट को शामिल करने का परामर्श देना है, हैंड वॉशिंग करना है और यहाँ पे वृद्धि निगरानी जो ऊपर में आप लोग देख पाए उसी प्रकार से करना है। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ेंगे। 22 मार्च बिहार दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र एवं उसके आसपास के जगहों की साफ सफाई, देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस है, उस दिन आप लोगों को यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो साफ सफाई है उसके बारे में आप लोगों को ध्यान देना है। और यहाँ पे गृह भ्रमण के दौरान 0 से लेकर 3 साल के बच्चों के खान पान में श्री अन्न मिलेट को शामिल करने हेतु परामर्श देना है। और वृद्धि निगरानी जो आंगनबाड़ी केंद्र पे 0 से लेकर 6 साल के सभी बच्चों का वजन ऊंचाई लंबाई किया जाना है, ये आप लोगों को देख सकते हैं इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद 23 मार्च 2023 को क्या करना है, यानी आपदा प्रबंधन वार्ड सदस्य पर गर्मी एवं लू से बचाव उपचार एवं जागरूकता के संबंध में बैठक, गृह भ्रमण के द्वारा जागरूकता फैलाना। फिर यहाँ पे गृह भ्रमण में क्या करना है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के खान पान में श्री अन्न मिलेट को शामिल करने हेतु परामर्श देना है, हैंड वॉशिंग करनी है और वृद्धि निगरानी। 24 मार्च को यहाँ पे पोषण वाटिका कार्यक्रम कराया जाएगा, किचन गार्डन की स्थापना, समुदाय के बीच किचन गार्डन के निर्माण एवं उपयोगिता विषय पर जागरूकता फैलाना, साथ ही किचन गार्डन में औषधीय पौधा यथा तुलसी, नीम, हल्दी, पुदीना, अदरक इत्यादि लगाने एवं उसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। गृह भ्रमण इस 24 तारीख को गृह भ्रमण के दौरान क्या करना है, किशोरी बालिका के खान पान में श्री अन्न मिलेट को शामिल करने हेतु परामर्श देना है। इसमें आपको हैंड वॉशिंग के बारे में भी बताना है, हाथों की साफ सफाई के बारे में। 25 मार्च को संध्या बैठक का आयोजन, वार्ड स्तर पर समुदाय एवं जन प्रतिनिधि के साथ संध्या बैठक आयोजित कर स्वास्थ्य एवं पोषण स्वच्छता के विषय पर चर्चा करना, बेहतर स्वास्थ्य हेतु योग एवं आयुष की दिनचर्या में शामिल करने पर चर्चा करना। उसके बाद यहाँ पे गृह भ्रमण में पोषण के 5 सूत्र, 1000 दिन की महत्ता एवं ऊपरी आहार हेतु परामर्श देना है। ठीक है, हैंड वॉशिंग है, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे वृद्धि निगरानी करना है। फिर यहाँ पे 27 मार्च के दिन आप लोगों को क्या करना है, दीवार लेखन, जो दीवालों पे पोस्टर चिपकाया जाता है, जैसे कि पोषक क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों, घरों की दीवालों पर पोषण के संदेशों को लेकर जागरूकता आपको फैलानी है। गृह भ्रमण में आप लोगों को पोषक के 5 सूत्र, डायरिया से बचाव हेतु परामर्श देना है, हाथों की साफ सफाई के बारे में बताना है, बच्चों के वृद्धि निगरानी करना है, यानी कि वृद्धि निगरानी यहाँ पे डेली आप लोगों को करनी है। और यहाँ पे 28 मार्च 2023 को किशोरी समूह की बैठक में पोषक क्षेत्र के सभी किशोरियों के साथ बैठक कर किशोरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण विषयों पर चर्चा एवं जागरूकता आप लोगों को देनी है। श्री अन्न मिलेट के उपयोग एवं महत्व के विषय पर किशोरी बालिकाओं के साथ चर्चा करना है। और यहाँ पे गृह भ्रमण के दौरान पोषण के 5 सूत्र, एनीमिया के दर को कम करने हेतु परामर्श देना है जो किशोरी बालिकाएं हैं, हैंड वॉशिंग के बारे में बताना है और वृद्धि निगरानी करना है। आगे बढ़ते हैं, 31 मार्च को प्रश्नोत्तरी चित्रकारी निबंधन या रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर किशोरी बालिकाओं के साथ साथ स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं श्री अन्न मिलेट के उपभोग एवं महत्व विषय पर प्रश्नोत्तरी चित्रकारी निबंधन रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 1 अप्रैल यानी कि योग एवं आयुष गतिविधि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का योग अभ्यास कराना है, समुदाय के बीच योग एवं आयुष के महत्व के विषय पर चर्चा करना है। यहाँ पे गृह भ्रमण के दौरान जो 0 से 2 साल के बच्चे हैं उनको स्तनपान व ऊपरी आहार खिलाने, आहार विविधता हेतु परामर्श देने के विषय में आप लोगों को चर्चा करनी है, हैंड वॉशिंग करनी है और जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनका वजन एवं लंबाई मापना है। लास्ट यहाँ पे 3 अप्रैल 2023 को
जीविका समूह के साथ बैठक की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र पर जीविका दीदियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता, गर्भवती महिलाओं की उचित देखभाल एवं उनका पोषण, नवजात शिशुओं की देखभाल, टीकाकरण, ऊपरी आहार, जीवन के प्रथम हजार दिन, पोषण के पांच सूत्र, गर्भवती एवं धात्री एवं बच्चों के बीच श्री अन्न मिलेट की उपयोगिता, योग एवं आयुष का महत्व इत्यादि विषयों पर चर्चा करना तथा जीविका दीदियों को समुदाय के बीच पोषण एवं स्वास्थ्य संदेशों को प्रचारित करने तथा जागरूकता फैलाने हेतु प्रेरित करना। तो इस प्रकार से यहाँ पे 20 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच जो कार्यक्रम है वो कराए जाएंगे और यहाँ पे एनीमिया कैंप, ग्राम स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पोषण VHSND दिवस का आयोजन कराया जाएगा। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच जो गतिविधि कराई जानी है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। हालांकि आप लोगों को इसका जो लेटर है वो आपके ग्रुप में मिल गया होगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।